रिदम पल पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आप सभी के सामने आज के मुख्य समाचार लेकर। IMF ने PM मोदी को आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। यूरोपीय थिंक टैंक ने किया भंडाफोड़। कोरोना पर रूस से आई अच्छी खबर। आम लोगों को दी जाने लगेगी वैक्सीन स्पुतनिक वी। BJP MLA से LDA पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। CM योगी को लिखी चिट्ठी। पटना जेल में व्हाट्सएप की लड़ाई। दो खूंखार आरोपियों के बीच जमकर हुई मार कुटाई। NCP के सवालों का दीपिका अकेले करेंगी सामना। रणवीर ने साथ जाने की थी चर्चा। दिल्ली मेरठ नोएडा हाईवे बंद। सड़कों पर किसान पी रहे हैं हुक्का। पंजाब में रेल जाम। 28 अक्टूबर से बिहार में होंगे 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव। 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान। MP में ऑक्सीजन की किल्लत। कहीं सिलेंडर नहीं तो कहीं रेट डबल। चुनाव में हार के बाद सत्ता की शांतिपूर्ण हस्तांतरण से डोनाल्ड ट्रंप का इनकार। बोले नहीं दे सकते गारंटी। ये थे आज के मुख्य समाचार। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह रोज न्यूज़ अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।